जब आपको कोई डिज़ाइन 3D प्रिंट करना होता है तो आपको वो फाइल एक पर्टिकुलर फाइल फॉर्मेट में चाहिए जो आप स्लाइसर सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट कर सके और फिर स्लाइस करके प्रिंट स्टार्ट कर सके। जब आप कोई मॉडल डिज़ाइन करते हो तो आपको कुछ फाइल टाइप्स दिखेंगे। कुछ फाइल टाइप्स 3D प्रिंटर मैन्युफैक्चरर्स को स्पेसिफिक होते हैं और कुछ डिज़ाइन सॉफ्टवेयर्स के लिए। सो वेलकम टू रीडिफाइन। अगर आप इस चैनल को न्यू हो तो मैं आपको बता दूं कि ये एक 3D प्रिंटिंग रिलेटेड चैनल है, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई न्यू वीडियो मिस ना करें। सो लेट्स बिगिन। तो क्या होता है 3D प्रिंटर फाइल्स? 3D प्रिंटर फाइल्स 3D मॉडल्स की इंफॉर्मेशन स्टोर करने का एक तरीका है जो 3D प्रिंटर्स रीड कर सके। इन फाइल्स में 3D मॉडल्स का शेप और उनकी ज्योमेट्री होती है। कुछ फाइल्स में और भी डिटेल्स होते हैं जैसे कलर, टेक्सचर एंड मटेरियल्स। 3D प्रिंटर फाइल्स में बहुत चॉइसेस होते हैं, बट ये ध्यान में रखना चाहिए कि सब 3D फाइल्स प्रिंटेबल नहीं होते। कुछ फाइल्स में एनिमेशंस और विजुअलाइजेशंस होते हैं जो ऑफकोर्स प्रिंट नहीं हो सकते। अभी हम 8 सबसे इंपॉर्टेंट 3D प्रिंटेबल फाइल्स देखेंगे और वो फाइल्स के क्या फीचर्स होते हैं वो भी देखेंगे। पहला है OBJ। .OBJ सेकेंड मोस्ट कॉमन फाइल फॉर्मेट है जो 3D प्रिंटिंग में यूज़ होता है। ये मोस्टली सभी 3D प्रिंटर्स में सपोर्ट होता है एंड मोस्ट सॉफ्टवेयर विल एक्सपोर्ट टू .OBJ। ये फाइल फॉर्मेट .stl से सिमिलर होता है और इसमें 3D मॉडल्स की ज्योमेट्रिक इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि वर्टाइसेस, नॉर्मल ज्योमेट्रिक वर्टाइसेस, पॉलीगोनल फेसेस एंड टेक्सचर कोऑर्डिनेट्स, जैसे एक क्यूब में वर्टाइसेस फेसेस होते हैं। नेक्स्ट .vrml। vrml स्टार्ट्स फॉर वर्चुअल रियलिटी मॉडलिंग लैंग्वेज। ये एक न्यू टाइप का फाइल फॉर्मेट है। .vrml फाइल सिंगल UV कलर मैप को स्टोर करता है, इसीलिए ये प्रिंटर्स जिनके ड्यूल एक्सट्रूडर्स होते हैं उसके लिए आइडियल होता है। बेसिकली इसमें 2 कलर्स यूज होते हैं। माना कि ये फाइल फॉर्मेट .stl जितना वाइडली यूज नहीं है, बट स्टिल इसमें एक कलर डेटा यूज होता है, इसके लिए ये 3D प्रिंटिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है .3mf। 3mf फाइल फॉर्मेट माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है और ये एक XML बेस्ड डेटा फॉर्मेट है। ये फाइल फॉर्मेट 2015 में 3D प्रिंटिंग को विंडोज 10 के साथ इजी बनाने के लिए बनाया गया था। सब मॉडल इन्फॉर्मेशन एक सिंगल आर्काइव में स्टोर्ड होती है और मॉडल की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे मैश, टेक्सचर, मटेरियल एंड कलर। फिर आता है .x3g। .x3g एक प्रोप्राइटरी फाइल फॉर्मेट है जो मेकरबॉट यूज़ करता है। ये एक बाइनरी फाइल फॉर्मेट है जो .stl से एक्सटेंसिव है, क्योंकि इसमें प्रिंटर की सेटिंग्स भी स्टोर होते हैं। मतलब इसमें सब इन्फॉर्मेशन है जो जैसे कि प्रिंटर की मोटर कब मूव होनी चाहिए और उसका क्या स्पीड होना चाहिए। इस फाइल फॉर्मेट में बेसिकली कोड होता है जो प्रिंटर्स रीड और इंटरप्रेट कर सके। .amf इट स्टैंड्स फॉर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग फाइल फॉर्मेट। ये भी एक .xml बेस्ड ओपन स्टैंडर्ड 3D प्रिंटिंग फाइल फॉर्मेट है जो कलर्स को भी सपोर्ट करता है। इस फाइल फॉर्मेट को हम कंप्रेस करके .stl के आधे साइज जितना बना सकते हैं। इस फाइल फॉर्मेट में ऑब्जेक्ट का मटेरियल, टेक्सचर, कॉन्स्टेलेशंस एंड मेटाडाटा इन्फॉर्मेशन होती है। करेंटली ये इतना वाइडली यूज नहीं होता, जबकि ये .stl से ज़्यादा फीचर सपोर्ट करता है। नेक्स्ट आता है .fbx। .fbx एक प्रोप्राइटरी फाइल फॉर्मेट है जो ऑटोडेस्क ओन करता है। ये फाइल फॉर्मेट काइडरा ने डेवलप किया है। ये फाइल फॉर्मेट ऑटोडेस्क के प्रोग्राम्स के बीच में डेटा एक्सचेंज करने के लिए बनाया गया था। ये ऑटोडेस्क सॉफ्टवेयर्स और मेया के बीच में इंटरऑपरेबिलिटी प्रोवाइड करता है। मतलब आप एक सॉफ्टवेयर की फाइल दूसरे में ओपन कर सकते हैं। ये फाइल फॉर्मेट फिल्म प्रोडक्शन और गेम डेवलप में बहुत यूज होता है। इस सॉफ्टवेयर से वर्कफ्लो स्मूथ होता है और बेटर बन जाता है। फिर आता है PLY। PLY स्टैंड्स फॉर पॉलीगोनल फाइल फॉर्मेट। ये 3D स्कैनर्स जनरेटेड होता है। इस फाइल फॉर्मेट में ऑब्जेक्ट का डिस्क्रिप्शन होता है, विच इज़ अ कलेक्शन ऑफ वर्टाइसेस, फेसेस, कलर, ट्रांसपेरेंसी, सरफेस एंड टेक्सचर डिटेल्स एंड मच मोर। 3D प्रिंटिंग करते वक्त हम PLY को 3D प्रिंटर एक्सेप्टेड फाइल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं और प्रिंट करते हैं। अभी एंड में हम देखने वाले हैं सबसे ज़्यादा और मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला फाइल फॉर्मेट, जो हमने इस वीडियो में काफ़ी बार मेंशन किया है और बाकी फाइल फॉर्मेट से कंपेयर भी किया है, और वो है .stl। .stl स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड ट्राइंगल लैंग्वेज और स्टैंडर्ड टेसेलेशन लैंग्वेज। और ये 3D प्रिंटर फाइल फॉर्मेट सबसे पहला फाइल फॉर्मेट है जो 3D प्रिंटिंग में यूज़ हुआ था।
ये फाइल फॉर्मेट चक हल ने डेवलप किया था इन द ईयर 1987 और इवन 30 साल बाद भी ये सबसे कॉमनली यूज होने वाला फाइल फॉर्मेट है। ये एक स्टैंडर्ड फाइल फॉर्मेट है फॉर 3D प्रिंटिंग। STL फाइल आपके मॉडल्स को एज ए सरफेस ऑफ ज्योमेट्रिक शेप्स में सेव करता है जो सरफेस ट्रायंगुलर मेश में होते हैं। बट ये 3D मॉडल्स के कलर या टेक्सचर की इन्फॉर्मेशन नहीं कैरी कर सकता। ये 3D प्रिंटिंग फाइल फॉर्मेट में ये देखते हैं कि आपके 3D मॉडल्स में कोई होल्स या ओवरलैप ना हो। इस प्रोसेस को टेसिलेशन कहते हैं क्योंकि 3D मॉडल्स ज्योमेट्रिक शेप्स के टाइल्स में बने होते हैं। ये फाइल फॉर्मेट हर 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर स्लाइसर्स और 3D प्रिंटर्स सपोर्ट करते हैं। इवन कुछ सॉफ्टवेयर्स में .stl फाइल्स डिफॉल्ट होता है। फॉर ऑल दोस रीजंस वी हाईली रिकमेंड यूजिंग STL फाइल फॉर्मेट। माना कि ये फाइल फॉर्मेट में कलर नहीं होता है बट ये कोई बड़ा इशू नहीं है क्योंकि मोस्टली ज़्यादातर लोग सिंगल कलर में ऑब्जेक्ट प्रिंट करते हैं। इम्पोर्टेंटली ये फाइल फॉर्मेट रिलायबल है। और भी काफ़ी न्यू फाइल फॉर्मेट आए हैं बट दी अबव मेंशन्ड सबसे ज़्यादा यूज होने वाले फाइल फॉर्मेट्स है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ क्लिक ऑन द बेल आइकॉन सो आप कोई न्यू वीडियो मिस ना करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप प्रिंटिंग।